आज हम लोग जो कल दो सम बच गए थे 1.4 का सम नंबर 3 और सम नंबर 4 उसको फिनिश कर रहे हैं। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर सुना है 1.4 सम नंबर 1 और सम नंबर 2 का, तो मैंने उसी ही दो सम में सारी बात कर दिया था कि सम किस तरह के होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से वही सारी चीजें दोहराऊं और लेक्चर लंबा करूं। डायरेक्ट सम पे आते हैं, है ना। हम लोग 1.4 में डील कर रहे हैं। अगर मैं 1.4 की बात करूं तो 1.4 सिंपल साइमल्टेनियस के कंसेप्ट से बिलोंग करता है। 1.4 की पहचान कैसे करोगे? अगर डिनोमिनेटर में अल्फाबेट है तो 1.4 का सम है, अगर डिनोमिनेटर में अल्फाबेट नहीं है तो 1.1 का सम है। मैंने काफी गहराई में जाके ये सारी चीजें आपको कल के लेक्चर में समझाया था। मैं हल्का सा ऊपर ऊपर से चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद आए, है ना। तो खैर, मैं देख रहा हूँ सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिर्फ साइमल्टेनियस आया तो ये सिंपल साइमल्टेनियस है। सिंपल साइमल्टेनियस में भी ये 1.4 का सम। अब अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि हाँ ये 1.4 का सम है, तो बताओ 1.4 का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद क्यों सेपरेट करते हैं? ताकि हमको कुछ एक जैसे लोग दिखाई दें, और वो जो एक जैसे लोग होंगे उसे हम अज्यूम कर लेंगे। ये 3 स्टेप लेने बाद आपके लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके होंगे। जैसे ही लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे, आप सारे के सारे 1.1 वाले स्टेप अप्लाई कर देना और आंसर की उम्मीद करना। अगर आंसर आ गया तो ठीक, वरना हम और भी काम करते हैं, जैसे रिप्लेस या फिर से एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। पहली बात सम नंबर 2, ठीक है। खैर, सम शुरू करते हैं। 1.4 का सम है, सबसे पहला स्टेप हम सेपरेट करते हैं। मैं थोड़ी सी छोटी राइटिंग लिख रहा हूं क्योंकि सम लेंदी है, देखना बोर्ड पे। सेपरेट कर रहा इज इक्वल टू 85। कल समझाया था मैंने कि किस तरह से सेपरेट करते हैं। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप इसके पहले वाला लेक्चर जरूर सुनना। डायरेक्टली अगर ये लेक्चर सुनोगे तो चीजें ऊपर से जाएगी, ठीक है। सेपरेट हो गया था, कैसे? ऐसा था ना, 27 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर उनको सेपरेट करना है, अगर उनके लोगों को अलग करना है, तो 27 यहाँ आ गया, यहाँ पे कौन बचा है? एक्स माइनस 2, कुछ नहीं मतलब हुआ। तो जो ट्रीटमेंट आपने इसका किया वही ट्रीटमेंट आप इसका भी करोगे, इसका भी करोगे और इसका भी करोगे, सही। अब मैंने क्यों सेपरेट किया था? ताकि हमें एक जैसे लोग दिखाई दे, दिख रहा होगा आपको। देखो, जो 1/(x-2) यहाँ है वही 1/(x-2) यहाँ भी, जो 1/(y+3) यहाँ है वही 1/(y+3) यहाँ भी। अब जो पहला एक जैसा है उसे a मान लेना, जो दूसरा एक जैसा है उसे b मान लेना। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको कल करवाया था। कल वक्त नहीं था इसलिए एक्सरसाइज फिनिश नहीं हो पाई थी, लेकिन जो कंसेप्ट है वो कल का ही है। हाँ, ध्यान से देखो। पुट, जहां जहां 1/(x-2) है वहां वहां a, जहां जहां 1/(y+3) है वहां वहां b। अब जो मैं कह रहा हूं ना कि जहां जहां 1/(x-2) है वहां वहां a लिखो, चलो दिखाओ जरा कैसे लिखोगे आप। 1/(x-2) के बदले a, प्लस का प्लस, 31 का 31, 1/(y+3) का b इज इक्वल टू 85। देखो, 27 बार a वेरिएबल, 31 बार b वेरिएबल इज इक्वल टू 85। वेरिएबल, हम वेरिएबल किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स को, a b c d e f till z। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और मैं ये उम्मीद भी कर रहा था
कि सेपरेट करने बाद, अज्यूम करने बाद, असर दिखाने बाद जो लोग आएंगे वो किसमें आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो जो काम आपने यहाँ किए हो वो काम आप यहाँ भी करो। 31 का 31, 1 अपॉन x माइनस 2 का a, प्लस का प्लस, 27 का 27, b इज इक्वल टू 89, इक्वेशन नंबर सही। अरे सही है, मैंने कल ही इस चीज की बुनियाद रख दिया था, आज मामला खत्म होगा। हाँ अगर वो 1.4 का सम है तो सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। क्यों सेपरेट करेंगे? ताकि हमें कुछ एक जैसे लोग दिखाई दें। उस एक जैसे लोगों में से पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी। असर दिखाओ, जो आई हुई चीज होगी वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। ठीक ठीक, इतना काम आप 1.4 के हर सम में सॉल्व करोगे। या मैं कहूं जब जब सिंपल साइमल्टेनियस वाला सम आए और डिनोमिनेटर में अल्फाबेट आए तो आप ऐसा काम करोगे। इसके आगे 1.1 के स्टेप्स ले आओ। अब अगर मैं 1.1 की बात करूं तो देखो मैंने आपको 1.1 में एक एसेप वाला सम करवाया था, याद करो। एसेप एक कोड होता है, उस एसेप में ए मतलब एडिंग, एस मतलब सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग करने से नवा इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग करने से नवा इक्वेशन, फिर वो जो दो इक्वेशन आए उसको फिर से एडिंग और फिर वो पुट, याद है? चलो खैर, एसेप अप्लाई कब होता है, जब मैं कहूं लागू कब होता है, बोलो क्या हर चीज मुझसे सुनोगे, बताओ एसेप लागू कब होता है? तो आप क्या कहोगे, जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो, जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो तब क्या लागू होता है एसेप। चेक कर लेते हैं, सबूत दे देता हूं मैं आपको। देखो पहले इक्वेशन के ए के पास 27 है, दूसरे इक्वेशन के ए के पास 31 है, पहले इक्वेशन के बी के पास 31 है, दूसरे इक्वेशन के बी के पास 27 है। तो देखो अगर आप देखो 27 31, जो 27 पहले इक्वेशन के पास है वही 27 आगे चल के दूसरे इक्वेशन के पास है, जो 31 दूसरे इक्वेशन के पास है वही 31 आगे चल के पहले इक्वेशन के पास है। देख रहे हो? अरे देख रहे हो, तो 27 और 31 यहां पे पलट गए ना, इंटरचेंज हो गए ना। तो ऐसे केस में क्या लागू होता है, एसेप लागू होता है। क्या लागू होता है, एसेप लागू होता है। एसेप को अगर और अच्छे से समझना है तो मेरा 1.1 का सम नंबर 7 और 8 वाला लेक्चर सुनना, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ एसेप के बारे में क्या बात हुई थी, है ना? हाँ चलो एसेप। अब अगर एसेप वाली कंडीशन अराइज हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब जो सम है वो एसेप से सॉल्व होना है, तो फिर एसेप में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, तब बोलोगे एसेप में हम बिना कुछ सोचे या बिना लोगों को सेम किए हुए डायरेक्ट एडिंग करते हैं। फिर एडिंग करने बाद आपको एक नया इक्वेशन आता है, फिर वही दो इक्वेशन जिन्हें आपने बिना कुछ सोचे और बिना सेम किए हुए एडिंग कर दिया है, अब आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। जिस तरह से आपको एडिंग में एक इक्वेशन आ जाएगा उस तरह से आपको सब्ट्रैक्टिंग में भी एक इक्वेशन आ जाएगा। तो आप एडिंग से एक नवा इक्वेशन लाओगे, आप सब्ट्रैक्टिंग से भी एक नवा इक्वेशन लाओगे, आपके पास दो इक्वेशन आ चुके होंगे। वो जो दो नए इक्वेशन होंगे आप उसको फिर से एडिंग करोगे, आपके पास एक अल्फाबेट आएगा, उस एक अल्फाबेट को आप आसान वाले में पुट कर देना, आपके पास एक और अल्फाबेट आएगा। फिर वो जो दो अल्फाबेट आए होंगे ना उसको देखने का कि क्या वो क्वेश्चन के मांगे हुए के हिसाब से है या नहीं, अगर रहा तो ठीक, अगर नहीं रहा तो हम और काम करेंगे। आ रही बात समझ में। गौर से समझने वाली बात ये है कि यहां पे एसेप लागू हो रहा है,
है ना, पूरे मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन का जो सारांश जो समरी है वो ये है कि यहाँ पे क्या लागू होने वाला है, एसएफ। और अगर एसएफ लागू होने वाला है तो एसएफ के स्टेप्स लो, है ना। समझ में आया स्टेप? मैं फिर से कह दूं, अगर आपको एसएफ वाले कंसेप्ट में डाउट है तो 1.1 का मेन क्वेश्चन 7 और 8 वाला लेक्चर सुनना, डाउट क्लियर हो जाएगा, सब जवाब मिल जाएंगे आपको वहां पे कि एसएफ क्यों और एसएफ कब और एसएफ में क्या होता है। खैर, मैंने कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हुए देखा, मैंने फैसला किया कि मैं एसएफ लूंगा। अगर मैं एसएफ के हिसाब से चलूं तो सबसे पहले क्या होगा, आप क्या बोलोगे, एडिंग होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड। आ रही बात समझ पे। चलो एडिंग करते हैं। पहला इक्वेशन 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। दूसरा इक्वेशन 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। चाहे एडिंग करो चाहे सबट्रैक्टिंग करो, आपको एक लाइन तो छोड़नी ही है। चलो, एडिंग से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सबट्रैक्टिंग होता है, जब आपके लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है। फिलहाल तो एडिंग कर रहे हैं, प्लस 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 7 और 1 8, 3 2 5 और ये वाले लोग, प्लस 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 7 1 8, 3 2 5 और बड़े नंबर की साइन, प्लस 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 9 5 14, 8 8 16 और 1 17। चलिए, अब मैं क्या देख रहा हूं मालूम, कि जो 58 यहां है वही 58 यहां भी है और वही 58 यहां भी है। फिर आप बोलोगे, सर यहां कैसे 58 है? तो मैं बोलूंगा यहां पे 58 इंटू 3। आप करो मल्टीप्लाई 53, आपको यही मिलेगा। तो यहां 58 दिख रहा है, तो मैं देख के कह रहा हूं कि यहां 58 है। यहां 58 भी दिख रहा है, तो मैं देख के कह रहा हूं कि यहां पे 58 है। यहां पे 58 दिख नहीं रहा है, अपने को समझ जाना है कि हाँ 174 कैसे बनता है 58 3। तो जो 58 यहां है वही 58 यहां भी है और वही 58 यहां भी है, और जो हर तरह से उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई 58 ने 52 काट दिया ए, 58 ने 52 काट दिया बी, 58 ने 52 काट दिया 3, इक्वेशन नंबर 3। तो जैसा कि मैंने प्लान किया था कि एडिंग करने से एक नवा इक्वेशन आएगा, ये देखो एडिंग करने से एक नवा इक्वेशन आएगा, वैसे सब्ट्रैक्टिंग करने से एक और नवा इक्वेशन आएगा, है ना। हमारा अगला स्टेप एस, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, बिना किसी को सेम किए हुए आपको डायरेक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक ना। इस सम की खास बात यही है, अगर मैं पिछले कुछ सम की बात करूं जहां पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज नहीं होते हैं, वहां पे हम जब तक एक चीज को सेम नहीं कर लेते, या जब तक हम किसी एक कोएफिशिएंट को सेम नहीं कर लेते, तो हम वर्टिकली अरेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एसएफ का सम है तो यहां पे कुछ सेम करने का नहीं, डायरेक्ट अरेंज करने का, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने का, है ना, आपको फर्क मालूम होना चाहिए। चलो खैर, बिना लोगों को सेम किए हुए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, इक्वेशन नंबर 1। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, इक्वेशन नंबर 2। एक लाइन छोड़ के एक लाइन पूछो। अब अगर वो सब्ट्रैक्टिंग है तो सब्ट्रैक्टिंग का इफेक्ट बताओ। सारे बच्चे मन में जवाब देने का, है ना, ये मत सोचो कि मैं सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं, लेकिन आप अपने तसल्ली के लिए तो मन में जवाब दो। अगर वो सब्ट्रैक्टिंग है तो लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 31 में 27 गया 4, ये वाले लोग बड़े नंबर की साइन, प्लस माइनस माइनस 31 में 27 गया 4, बी वाले लोग बड़े नंबर की साइन, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस 89 में से 5 गया 4 और बड़े नंबर की साइन। जो 4 यहां है वही 4 यहां भी है और वही 4 यहां भी है,
और जो हर तरफ उसका मैं क्या करता हूं डिवाइड बाई फोर। चार ने चार को काट दिया माइनस और ए बच गया, चार ने चार को काट दिया प्लस और बी बच गया, चार ने चार को काट दिया कुछ नहीं बचा मतलब वन। इक्वेशन नंबर ठीक। तो जो मैंने पहले सोच के रखा था कि एसएफ वाली कंडीशन अराइज हो रही है तो मैं एसएफ लागू करवाऊंगा, उस एसएफ में सबसे पहले एडिंग करूंगा, एक नवा इक्वेशन आएगा। क्या नवा इक्वेशन आया? उस एसएफ के हिसाब से दूसरी बार में सब्ट्रैक्टिंग होगा और एक नवा इक्वेशन आएगा। क्या सब्ट्रैक्टिंग करके एक और नवा इक्वेशन आया? आया कि नहीं? अब तीसरा स्टेप क्या होता है एसएफ में? एडिंग हो चुका है, सब्ट्रैक्टिंग हो चुका है, तीसरा स्टेप क्या होता है? फिर से एडिंग, है ना, ए एस ए पी। तीसरे में क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना, तो ए मतलब एडिंग। अब किसको एडिंग? जो हमारा तीसरा स्टेप है एडिंग, तो किसको एडिंग? तो आप बोलोगे सर जो नया इक्वेशन आया है ना उसको एडिंग। क्या बोलोगे? सर जो नया इक्वेशन आए हैं उसको एडिंग। चलो नया इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर फोर। एक लाइन छोड़ के एक लाइन खेल दो, एडिंग इक्वेशन थ्री है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना? देखो मैं फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। हम ए सेफ फॉलो कर रहे हैं, एडिंग करके हो गया है, सब्ट्रैक्टिंग करके हो गया है, अब मैं क्या करूंगा? एडिंग। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना कि सर क्यों एडिंग, अगर उनके मन में यह ख्याल आ रहा है कि सर तीसरे बार में क्यों एडिंग, तो मैं बोलूंगा तीसरे बार में स्टेप के हिसाब से एडिंग। ठीक, हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पहली बार में एडिंग किए, हाँ, दूसरी बार में सब्ट्रैक्टिंग किए, हाँ, अब तीसरी बार में क्या करेंगे? एडिंग। समझ में आ रहा है? तो क्यों एडिंग? हम स्टेप के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए एडिंग। ठीक, चलो प्लस माइनस माइनस, प्लस में ए माइनस में ए कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, एक बार भी, एक और बार भी, दो बार भी, और बड़े नंबर की साइन। ये भी वन बी है, ये भी वन बी है, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों के पास प्लस, प्लस के पास भी प्लस, पर हम प्लस दिखाते नहीं है। ठीक, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक या दो, और बड़े नंबर की साइन। तीन बड़ा या एक बड़ा? तीन बड़ा, तीन के पास कुछ नहीं मतलब प्लस, दो के पास कुछ नहीं मतलब। अरे ठीक है, चलो इन सब में से मुझे बी चाहिए, तो बी अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, टू वन जा टू वन जा बी इज इक्वल टू। कितने स्टेप पूरे हो गए? एडिंग हो गया, एडिंग से इक्वेशन मिल गया, सब्ट्रैक्टिंग हो गया, सब्ट्रैक्टिंग से इक्वेशन मिल गया, वो जो दो नवे इक्वेशन मिले उनको एडिंग करके एक अल्फाबेट मिल गया। अब इस एक अल्फाबेट का क्या करूं? तो आप बोलोगे सर स्टेप के अनुसार उस एक अल्फाबेट की वैल्यू को पुट किया जाए, पी फॉर पुट, पी फॉर पुट, है ना। तो आप बोलोगे सर वो जो एक अल्फाबेट की वैल्यू मिली है ना उसको क्या किया जाए? पुट किया जाए। कहां कहां पुट किया जाए? तो आप कहोगे पुट जो मिला हुआ बी है इन इक्वेशन। मेरे पास पूरे सम में चार इक्वेशन है, आप चेक करो तो सबसे आसान वाला इक्वेशन कहाँ है? जो आसान है वहां पुट करना है, है ना, सबसे आसान तीसरा है। तो आप लिखोगे पुट बी इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन थ्री। ठीक, मैं बार बार कह रहा हूं आप वन में पुट करो, आप टू में पुट करो, आप थ्री में पुट करो, आप फोर में पुट करो, जो आपको आसान लगता है आप वहां पुट करो। अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो आपका एक ही ऐसा आंसर आ रहा है, जो मेरा आंसर है ना वो आपका भी आएगा। तो ऐसा जरूर नहीं है कि जो मेरे को आसान लग रहा है वो आपको आसान लग रहा है, आपको जैसा अच्छा लगे, है ना। फिलहाल मेरे को तो तीसरा आसान लग रहा है। चलो तीसरा दिख रहा है, ए का ए प्लस का प्लस, बी के बदले
एक इज इक्वल टू थ्री, ए का ए प्लस वाला जगह चेंज किया माइनस, तीन में से एक गया दो और ये आपके दो एलिमेंट। मैंने लिखा ये लो मुझे ए मिल गया है, ये लो मुझे बी मिल गया है। अभी इन्हीं दो को लेके मैं जाता हूं क्वेश्चन के पास, ये सोच के कि ये मेरा आंसर है ना। ये जो मुझे दो लोग मिले हैं इन्हीं दो लोगों को लेके मैं जाता हूं क्वेश्चन के पास, ये सोच के कि ये मेरा आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है कि नहीं ए मिल गया बहुत अच्छी बात है, बी मिल गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है? एक्स और वाई के फॉर्म में। क्वेश्चन कौन से फॉर्म में? एक्स और वाई के फॉर्म में। तो आंसर भी कौन से फॉर्म में आना चाहिए? एक्स और वाई के फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या ये एक्स और वाई है? बात समझ में आ रही है? तो मेरे स्टेप्स खत्म हो गए, मेरा एडिंग करके हो गया, मेरा सब्ट्रैक्टिंग करके हो गया, मेरा फिर से एडिंग करके हो गया, मेरा पुट करके हो गया, मेरे स्टेप्स खत्म हो गए, लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। मैं तब तक आए हुए को आंसर नहीं बोल सकता जब तक वो एक्स और वाई नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन क्या इस्तेमाल कर रहा है? एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है? तो अब मैं क्या करूं? एक्स और वाई तो आए नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ दिमाग पे जोर दो, अब मैं क्या करूं? तो आप बोलोगे सर हमने एक बार सम में पुट किया था, वो सारे सम जहां पे आपको अगर एक बार पुट दिख रहा है तो अंत में उसके रिप्लेस भी होना जरूरी है, है ना। वो सारे सम जहां पे एक बार आपको अगर पुट दिख रहा है तो उसमें एंड में रिप्लेस भी होना जरूरी है। ठीक, क्या लिखोगे? रिप्लेस द वैल्यू, पहले में वन अपॉन एक्स माइनस टू के बदले ए लिखता था, अब मैं ए के बदले वन अपॉन एक्स माइनस टू लिखूंगा। हाँ, ए के बदले वन अपॉन एक्स माइनस टू। देखो पहले मैं वन अपॉन एक्स माइनस टू के बदले ए लिखता था, अब ए के बदले वन अपॉन एक्स माइनस टू, बी के बदले वन अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। फिर आप बोलोगे जो चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, x इज इक्वल टू होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऊपर लाने के चक्कर में हम लोगों को पलट देंगे, x माइनस टू अपॉन वन हम डिनोमिनेटर में वन नहीं दिखाते हैं। सही सही कि नहीं? अब अगर इस साइड वाला पलटा तो इसके नीचे वन डाल के ये भी पलट जाएगा। सुन रहे हो ना? तो जो आपने यहां पलटने का काम किया तो आप यहां भी पलटने का काम करोगे। सही, उधर आ जाओ, वाई चाहिए तो वाई ऊपर होना चाहिए, तो मैंने इनको पलट दिया, डिनोमिनेटर में हम वन नहीं दिखाते हैं। जिस तरह से ये फ्रैक्शन में है उस तरह से हम इसे भी फ्रैक्शन में कर देंगे। अगर इस साइड वाला पलटा है तो ये भी पलटेगा और डिनोमिनेटर में हम वन नहीं दिखाते। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ध्यान। जो चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, ऐसी सोच के साथ हमने लोगों को पलट दिया। तब बोलोगे सर वन कहाँ गया? तो नीचे में वन हम नहीं दिखाते ना। जो ट्रीटमेंट आपने एक के साथ किया है वो आप सबके साथ करोगे, ये भी पलटेगा। सही, ये भी पलटेगा, ये भी पलटेगा। जहां जहां डिनोमिनेटर में वन था हमने वन हटा दिया। हम सिर्फ वन ही हटा सकते हैं डिनोमिनेटर से। अगर आप इस सोच में हो कि सर टू के डालो तो रॉन्ग हो जाओगे, है ना। तो हम डिनोमिनेटर से सिर्फ क्या हटा सकते हैं? वन। आई बस समझ में। चलो इन सब में से मुझे एक्स चाहिए, आप बोलोगे अगर x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, ये माइनस वाला टू शिफ्ट हुआ क्या हो गया प्लस टू। इन सब में से मुझे x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, माइनस वाला टू प्लस टू, बाकी ये दोनों एज इट इज। सॉल्व कर लो, ये फ्रैक्शन में है ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या ये फ्रैक्शन में है? हाँ। तो हम जानबूझ के
इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में। सही सही, हम एज अ डिनोमिनेटर सिर्फ वन ही ले सकते हैं, यही हमारे पास इतनी ही परमिशन है। अगर आप कहोगे सर फ्रैक्शन में क्यों नहीं हम यहां पे अपने से तीन ले ले या क्यों नहीं हम अपने से चार ले ले, तो मैं बोलूंगा ये हमको परमिशन नहीं दी गई है। क्या परमिशन है हमारे पास, अगर किसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम सिर्फ क्या शो कर सकते हैं, वन। तो एक्स चाहिए, एक्स अकेला होना चाहिए, माइनस वाला प्लस, ये फ्रैक्शन में है तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब जरा देखो, देखो मैंने आपको मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम सिखाया था, बताओ जरा क्रॉस मल्टीप्लाई के क्या नियम है, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई जब दो फ्रैक्शन होता है बीच में प्लस और माइनस होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। दो फ्रैक्शन है हाँ, बीच में प्लस है हाँ, डिनोमिनेटर डिफरेंट है हाँ, तो यहां पे पूरी पूरी शर्त किसकी पूरी हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। अरे बेसिक सा मैथ्स, क्या आपने आज ही मेरे मुंह से सुना है क्रॉस मल्टीप्लाई? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सिक्स्थ से इंट्रोड्यूस हो गया था, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई की शर्त दो फ्रैक्शन होना चाहिए बीच में, या तो प्लस या तो माइनस होना चाहिए, तो प्लस है ना, और डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा होगा। चलो, वन वन जा वन, टू टू जा फोर, वन टू जा टू, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, एक और चार पांच, क्या मैं इसको काट सकता हूं? अगर काटा तो लोग डेसिमल में आ जाएंगे, तो मैं इसको यही छोड़ देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मेरा आंसर होगा। चलो, जिस तरह से आपने एक्स को फाइंड किया है उसी तरह से वाई को फाइंड कर लो, देखते हैं वहां पे क्या काम हो रहा है। मुझे y चाहिए, y अकेला होना चाहिए, y के पास भी जो तीन है वो मुझको नहीं चाहिए, तो प्लस वाला थ्री माइनस, है ना। जब भी लोग जगह चेंज करेंगे तो उनकी साइन चेंज होती है, काफी दिन से आप पढ़ रहे हो, प्लस वाला जगह चेंज किया तो माइनस, माइनस वाला जगह चेंज किया तो प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, तो प्लस वाला माइनस, y का y, प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक दिया दो और बड़े नंबर की संख्या। यहां मुझे y मिल गया, यहां मुझे x मिल गया, तो मैं इनको ले जा रहा हूं क्वेश्चन के पास कि क्या ये मेरा आंसर है। देखो क्वेश्चन x और y के फॉर्म में था, मैंने आंसर भी x और y के फॉर्म में ले आया, चीजें मैच कर गई ना, तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाँ ये क्या है आंसर, और मेरा सम खत्म। समझा? अरे आपको समझ में आया या नहीं आया ना समझ में? एक बार सम को रिवाइज कर लेते हैं। हम 1.4 में डील कर रहे हैं, 1.4 की पहचान, सिंपल साइमल्टेनियस वाला सम होगा और डिनोमिनेटर में अल्फाबेट होंगे। हम जब भी 1.4 के सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सेपरेट करेंगे, क्यों? ताकि हमको एक जैसे लोग दिखाई दे। पहले एक जैसे को ए मान लेना, दूसरे जैसे को बी मान लेना। अजम्पशन का इफेक्ट दिखाने बाद जो लोग आएंगे वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे। इतने स्टेप हो गए 1.4 के, अब आप 1.1 लागू करवा लेना। मैं जैसे ही 1.1 के तरफ बढ़ा तो मैं देख रहा हूं कि कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। अब सब बाजू में जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे हम क्या अप्लाई करेंगे, एसएफ। जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे हम क्या अप्लाई करेंगे, एसएफ। एसएफ क्या है, एक कोड है, वो कोड कहता है सबसे पहले एडिंग करने का और एक नवा इक्वेशन आने का, एडिंग करने का एक नवा इक्वेशन, फिर कोड क्या कहता है, दूसरी बारी में सबट्रैक्टिंग करने का एक और नवा इक्वेशन आएगा, दूसरी बारी में सबट्रैक्टिंग करने का एक और नवा इक्वेशन आएगा, फिर कोड क्या कहता है, तीसरी बार में वो जो दो नवे इक्वेशन आए ना उनको एडिंग करने का, एक अल्फाबेट आएगा, फिर कोड क्या कहता है, चौथी बार में पुट करने का, तो जो एक वैल्यू आई है उसको पुट करने का। तो मुझे दो अल्फाबेट मिल चुके हैं, मैंने कहा कि ये लो आंसर, ए की वैल्यू दो, बी की वैल्यू एक। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है नहीं ये थोड़ा ना आंसर है, मैंने कौन से फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, एक्स और वाई, तो आंसर भी कौन से फॉर्म में आना चाहिए, एक्स और वाई। तो इसे आंसर ना मानते हुए मैंने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए,
तो ध्यान दिया कि हाँ एक बार पुट हुआ है तो अगली बार आखिरी में रिप्लेस भी होगा। रिप्लेस किया, हिसाब से सॉल्व किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कॉमन डिनोमिनेटर जो भी बेसिक कैलकुलेशन थे हिसाब से सॉल्व किया, मेरा क्या आ गया आंसर और आपका सम नंबर 3 फिनिश। अब हम आगे सम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 4 की लेंथ काफी बड़ी है तो जरा ध्यान से देखना। और देखो अगर मैंने आपको इतने सारे सम करवा चुका हूं, चाहे वो 1.1 का हो, चाहे वो 1.3 का हो, चाहे वो 1.4 के सम हो, तो ये जो बचा एक सम है वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको सम तो नया ले रहा हूं लेकिन उसमें कंसेप्ट सब पुराने हैं। आधी बात समझ में? हाँ चलो सम शुरू करते हैं। वही काम, मुझे बताओ क्या आप इसको एग्जाम में पहचान लोगे कि ये 1.4 से है? कैसे कैसे पहचान करोगे? तो आप बोलोगे सर सिंपल साइमल्टेनियस है ना। साइमल्टेनियस सिर्फ साइमल्टेनियस लिख क्या है वो तो सिंपल साइमल्टेनियस। सिंपल साइमल्टेनियस 1.1 या 1.4 डिनोमिनेटर में अल्फाबेट दिखा, x और y डिनोमिनेटर में अल्फाबेट दिखा तो 1.4 का। 1.4 का पहला स्टेप सेपरेट करता है। हाँ देखो ना, इधर मैं इस तरफ ले रहा हूं, सेपरेट करते हैं यहां तो सेपरेट करने को ही एज इट इज सही। क्या इनके ऊपर नंबर है? नहीं ना, तो वो सेपरेट ही नहीं होगा एज इट इज। क्या इनके ऊपर नंबर है? नहीं, एज इट इज। और ये भी एज इट इज। इधर आ जाओ, इनको सेपरेट कर लो। 1/2 है ना, देखो ये हड्डी है, यहां क्या बच गया 1/3x + y, 1/2 यहां क्या बच गया 1/3x - y = -1/8। अगर अगर ऊपर नंबर है और नीचे अल्फाबेट है तो नंबर इस तरफ और अल्फाबेट इस तरफ, ऐसा हो जाता है ना। तो ऊपर नंबर होना चाहिए, तो यहां पर नंबर ही नहीं था तो यहां पर सेपरेट ही नहीं हुआ, यहां भी नंबर नहीं था तो सेपरेट नहीं हुआ। यहां देखो 1/2, ये पूरा 1/2 इस तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब लोग अलग अलग हो गए, ऐसे ऐसे टूट गए, वैसे ये भी टूट गए। क्यों हम क्यों सेपरेट करते हैं? हम क्यों सेपरेट करते हैं? ताकि हमको एक जैसे रूप दिखाई दे। दिखाई दे रहा है आपको, जो 1/3x + y यहां है वही 1/3x + y यहां भी है, जो 1/3x - y यहां है वही 1/3x - y यहां भी है। पहले एक जैसे को ए मान लो, दूसरे जैसे को बी मान लो। देखते हैं आगे क्या होगा। पुट 1/3x + y = a, 1/3x - y = b। सही है, चलो असल दिखाते हैं। इसके बदले a आ गया, इसके बदले b आ गया, और इसके बदले 3/4 as it is। इसके बदले देखो, देखना सोचा ध्यान से देखना। देखो इस रेड वाले के बदले में ए लिख दू, देखो जब बोला गया ना कि 1/3x + y के बदले ए, तो इसके बदले में ए लिख दिया। अब 1/2 × a, ए वन जा ए और ये 2 सही। और देखो ध्यान से देखो, माइनस का माइनस, इस 1/3x - y के बदले बी लिख दू 1/2 × b, तो 1 × b, b/j का बच गया 2 = -1/8। आधी बात समझ में। मैं अगर इसको अलग से समझाऊं, देखो 1/2 × 1/3x + y, हाँ ज्यादा लिखना हमको, मैं थोड़ा सा गहराई में जाकर समझाता हूं। इसका तो कुछ नहीं करना है, तो ये एज इट इज। इसके बदले क्या आ जाएगा, है ना, 1/3x + y के बदले ए, 1/3x + y के बदले ए। बीच में मल्टीप्लाई है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई है, 1 × a, 2 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 जाएंगे 2 1 जाए, तो देखो आई क्या सेम चीज। अगर मैं इसको अलग समझाऊं, 1/2 × 1/3x - y, 1/2 एज इट इज, इसके बदले क्या आना चाहिए b, तो b आ गया, मल्टीप्लाई है स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 1 b's are b, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 डाल के 2 बन जाए, 2 / 2 आएगा।
आया कि नहीं आया। अब इतने स्टेप्स तो पुराने थे, मैंने सम नंबर वन में भी सेपरेट किया, सम नंबर टू में भी सेपरेट किया और सम नंबर थ्री में भी सेपरेट किया, सम नंबर फोर में भी सेपरेट किया। हाँ, उसके बाद एक ऐसे लोग दिखते थे मैं ज़ूम करता था, एक ऐसे लोग दिखे मैंने ज़ूम कर लिया। उसके बाद इतना काम करने बाद हमारे लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते थे, है ना, इतना काम करने बाद हमारे लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते थे। लेकिन अगर आप इस सम को देखो तो अभी तक लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आए, है ना। सम नंबर वन, सम नंबर टू, सम नंबर थ्री देखो, मैंने सेपरेट किया, एक जैसे लोग दिखाई दिए, मैंने अज्यूम किया आयोवा फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में होता था, लेकिन अब आया हुआ फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं? तो आप बोलोगे सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेरिएबल, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, उसमें डिनोमिनेटर एब्सेंट होता है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अब देखा आपने ये चार नहीं चाहिए, जो डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए वो डिनोमिनेटर है, ये दो आठ नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही आपको? आ रही है कि नहीं? सम नंबर वन, सम नंबर टू, सम नंबर थ्री में इतने स्टेप्स के बाद लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते थे, लेकिन सम नंबर फोर में इतने स्टेप्स के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लोग नहीं आए। जब तक लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाते, मैं लोगों को इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू नहीं दे सकता, और जब तक वन और टू नहीं आएगा मैं आगे 1.1 के स्टेप्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं लोगों को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में दूंगा। चलो कैसे, कैसे सिखाया हूं मैंने आपको। अगर इस चार को आप एक्स्ट्रा कह रहे हो तो इस एक्स्ट्रा को कैसे हटाओगे? तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर से अगर नंबर हटाना है तो मल्टीप्लाई करके हटाएंगे, तो यहां पर चार नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई फोर कर देंगे। हम सिखाया मैंने आपको डिनोमिनेटर से अल्फाबेट हटाना है तो हम सेपरेट करेंगे, एक जैसे दो दिखेंगे, अज्यूम करेंगे, तीन स्टेप लेने बाद डिनोमिनेटर से अल्फाबेट हट जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर से नंबर हटाना है तो जिसको हटाना है उसी को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर चार हटाना है तो मल्टीप्लाई भाई, अगर आगे चलते पांच हटाना होगा तो मल्टीप्लाई फाइव, अगर आगे चलते दस हटाना तो मल्टीप्लाई टेन। आई बात समझ में? तो अगर ये फोर एक्स्ट्रा है तो उसी को उसी से फिर मल्टीप्लाई कर दो, कम मल्टीप्लाई, फोर इंटू ए, फोर इंटू बी, फोर इंटू थ्री अपॉन फोर, जो एक के लिए वो सबके लिए मैथ का नियम है ना। तो अगर मैं यहां चार से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं तो मैं चार से मल्टीप्लाई यहां भी करूंगा, तो मैं यहां भी करूंगा, फोर इंटू ए फोर ए, फोर इंटू बी फोर बी, फोर और फोर कैंसिल, इक्वेशन नंबर। देखो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आया? डिनोमिनेटर गायब हुआ ना, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब जो काम आपने वन के लिए किया है वो काम आप टू के लिए करो, आपके लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, फिर शुरू हो जाना अपना पुराना स्टेप 1.1 वाला, ठीक है। चलो सम की लेंथ वैल्यूज आ गई, जरा बोर्ड पर देखने का अच्छे से, दो नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, आठ नहीं चाहिए। अब मैं कंफ्यूज हूं कि मल्टीप्लाई बाय टू करूं या मल्टीप्लाई बाय एक करूं, ठीक ठीक, यहां पे सिर्फ चार नहीं चाहिए था तो मल्टीप्लाई बाय फोर, यहां पे दो नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, आठ नहीं चाहिए, आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाई एट। सुने? अरे सुने। अब फिर अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर क्यों दो और आठ में से आपने आठ को क्यों चुना, तो मैं कह दूं दो और आठ का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना तो आठ आता है, आठ, तो जो एलसीएम आएगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब सिर्फ एक था तो कोई चॉइस नहीं, जो है उसी से मल्टीप्लाई करते, लेकिन जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो देखो यहां पर दो भी नहीं चाहिए और आठ भी नहीं चाहिए, तो आप ऐसे केस में एट
और 2 का एलसीएम निकालना, आपका एलसीएम 8 आएगा, तो जो 8 आएगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखो समझ नहीं है मेरे पास, लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको एलसीएम काउंट करना नहीं सिखा रहा हूं। जब हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी ना तो हम एलसीएम काउंट कर लेंगे। फिलहाल याद रखना कि अगर हमको 3 लोग डिनोमिनेटर से हटाना है, 4, 5 और 10, तो आप 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालना, जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई करना। सुने? अरे सुने। या आप एक और एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, और यहां पे 2 1 2 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा मकसद था ना कि सब लोग हट जाना चाहिए, तो वो नहीं पूरा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दू, 2 1 2 4, तो अभी भी 4 बच रहा है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से 2 कट जाएगा, यहां से 2 कट जाएगा, यहां से 4 बच जाएगा। तो जो हमारा मकसद होता था ना कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए, तब जाके मैं लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म कहूंगा, तो वो मल्टीप्लाई 2 से नहीं होगा। तो वो जो हमारा मकसद था वो कौन पूरा करके देगा? 8। इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8। समझा? मैंने आपको 2 चीज समझाया। एक एलसीएम फैसला करके देता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, और एक छोटा सा समझाया कि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे 4 बच जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। 8 से मल्टीप्लाई करो, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो जब मकसद पूरा हो रहा है उससे काम करो ना। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई 8, सब तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो चीजें कटी ना, लोग हटे ना नीचे से। 2 1 2 4, देखो चीज कटी ना, लोग हटे ना बीच से। 8 कैंसिल, -1 इक्वेशन नंबर। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब 2 2 8 हमको फैसला करना था कि 2 से मल्टीप्लाई करें या 8 से मल्टीप्लाई करें, तो आपने 8 को चुना, तो मैंने उसके 2 रीजन दिया हूं। 1 2 2 8 का एलसीएम निकालना, आपको 8 आएगा, एलसीएम 8 आया इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। या दूसरा मकसद पूरा होने की बात है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये 2 कट गया होता, ये 2 कट गया होता, लेकिन क्या ये 8 कटा होता? नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, और हम हमारे मकसद तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे चले। अरे आगे चले, जो पिछले 3 सम में हमको सिर्फ 3 स्टेप लेके हमारे लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते थे, अब देखो दिखा। अरे समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना, उसको 10 बार लिख के सुन लो, 11वीं बार में जरूर आ जाएगा। शुरुआत में हर चीज थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन आप जिसको जितना यूजफुल बनाओगे ना उतना आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। अब 2 इक्वेशन आ गया है, क्या लागू करेंगे? 1.1 का पहला स्टेप चेक करेंगे कि जो दिए हुए लोग हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, इतना काम ही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए किया है। दूसरा स्टेप वर्टिकल अरेंज, वर्टिकल अरेंज की शर्त बताओ, बताओ 2 में से कोई एक चीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो ए भी सेम है, बी भी सेम है, एक चीज सेम होना चाहिए, दोनों सेम है, अच्छा है ना? अरे अच्छा है कि नहीं? आपको 5 रुपए चाहिए थे, अब्बा ने 10 रुपए दे दिए, तो क्या रोगे बैठ के? खुशी मनाओगे ना? है ना? तो वही एक चीज सेम चाहिए थी, दोनों सेम, अच्छी बात है ना? तो हमारी शर्त पहले से ही पूरी हो रही है, हम इसको वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं। चलो वर्टिकली अरेंज करते हैं। 4a + 4b = 3 इक्वेशन नंबर 1, 4a - 4b = -1 इक्वेशन नंबर 2। अब वर्टिकल अरेंज की बात, या तो मैं एडिंग कर सकता हूं या तो मैं सब्ट्रैक्टिंग कर सकता हूं। अगर मैं a को देखूं तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, अगर मैं b को देखूं तो एडिंग करना पड़ेगा। तो इसको देख के क्या करना चाहोगे? a को देख के सब्ट्रैक्टिंग करना चाहोगे या b को देख के एडिंग करना चाहोगे? तो आप बोलोगे हम आसान रास्ता चुनते हैं। तो यहां का आसान रास्ता क्या होगा?
बी को देख के क्या करो, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, है ना। आसान की तरफ बढ़ना, खतरों के खिलाड़ी मत बढ़ जाना, वरना बहुत खतरा रहेगा आपके। तो अगर आपके पास एडिंग चुनने का मौका है तो एडिंग को ही चुनना। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, चार बार ए, चार बार ए, आठ बार ए, प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक या दो, इन सब में से मुझे ए चाहिए। मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, टू वन जा टू फोर जा, ये आपका ए आ गया। ये मेरा आंसर हो सकता है, मैं आखिर में क्वेश्चन से चेक करवाऊंगा। अब ये जो एक अल्फाबेट आया है इसको क्या करोगे, क्या करोगे आप बोलोगे, ये जो आया हुआ अल्फाबेट है उसे किसी आसान वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ये जो आया हुआ एक अल्फाबेट की वैल्यू है उसे किसी आसान वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। आसान कौन सा है, वन आसान है या टू आसान है? वन आसान है। चलो, फोर का फोर ए का वन अपॉन फोर, प्लस फोर का फोर बी तो चाहिए और यहां पे थ्री, फोर और फोर कैंसिल, मल्टीप्लाई है, मैं काट सकता हूं। इन सब में से मुझे बी चाहिए, इन सब में से मुझे बी चाहिए, ऊपर से ए मिल चुका है, क्या मिलेगा, इन सब में से मुझे बी चाहिए तो बी अकेला होना चाहिए। प्लस वाला वन माइनस, मल्टीप्लाई फोर डिवाइड, प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक गया दो, और बड़े नंबर की से टू वन जा टू टू जा, बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, और ये आपका एक और अल्फाबेट। ये लग रहा है कि ये मेरा आंसर है, मैं इसको अच्छे से लिख लूं, लिखने बाद मैं क्वेश्चन के पास जाता हूं और बोलता हूं ये लो आपका मांगा हुआ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है मेरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में था, एक्स और वाई। क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में था, एक्स और वाई, और आपने क्या दिया, ए और बी। तो क्या चीज मुकम्मल हुई, नहीं ना, जब तक क्वेश्चन के हिसाब से एक्स और वाई नहीं आ जाता अपनी चीज मुकम्मल नहीं। तो अब ये सम और आगे बढ़ेगा, है ना, मेरे 1.1 के स्टेप्स खत्म हो गए लेकिन सम खत्म नहीं हुआ। अब सम को खत्म करने के लिए मैं क्या करूं, तो आप बोलोगे सर, क्या बोलोगे सर, वो सारे सम जहां पे अगर आपको पुट दिख रहा है तो वो एंड होगा, बोलो वो एंड होगा रिप्लेस द वैल्यू पे, ठीक। पहले मैं वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई के बदले ए लिखता था, अब मैं ए के बदले वन अपॉन, आई बात समझ, पहले मैं 1 अपॉन 3x माइनस वाई के बदले b लिखता था, अब मैं b के बदले 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया रिप्लेस कर, ये क्या हो गया रिप्लेस करके। अब मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूं, जो चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, इसी के साथ मैंने लोगों को पलटना शुरू किया। डिनोमिनेटर 1 गायब था, जो चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, इसी ही के साथ मैंने लोगों को पलटना शुरू किया, डिनोमिनेटर वन गायब था। ऐसे होता है ना, डिनोमिनेटर वन गायब, हम डिनोमिनेटर में वन नहीं दिखाते। अब मैं देख रहा हूं कि चार मिला तो लेकिन इसके अंदर x भी है और y भी है, दो मिला तो लेकिन इसके अंदर x भी है y भी है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये तो मुझे इक्वेशन दिख रहा है जो सम नंबर टू में हुआ था। अब सम नंबर टू वाला हिसाब आ जाएगा यहां पे, अगर सिर्फ x इन्वॉल्व होता तो मैं x को फाइंड कर लिया होता, अगर सिर्फ y इन्वॉल्व होता तो मैं y को फाइंड कर लिया होता, लेकिन यहां पे मसला ये है कि x भी शामिल है y भी शामिल है, x भी शामिल है y भी शामिल है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता या मैं इससे आंसर नहीं फाइंड कर सकता। तो क्या करूं, क्या करूं, इसको पकड़ के मारूं, नहीं ना, तब बोलोगे सर अगर ये आंसर नहीं है तो ये इक्वेशन तो हो सकता है, हाँ, तीन बार एक्स एक बार वाई इज इक्वल टू नंबर, तीन बार एक्स एक बार वाई इज इक्वल टू नंबर, तो अगर ये आंसर नहीं है तो ये इक्वेशन तो हो सकता है, इसी ही सोच के साथ मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा, ठीक।
तो जो मुझे आंसर आना था तो आंसर ना आते हुए मुझे इक्वेशन आ गया, समझोड़ दो, एंड कर दो। आप बोलोगे नहीं, जब तक x इज इक्वल टू नहीं आता या y इज इक्वल टू नहीं आता तब तक सम एंड नहीं होगा, है ना। तो अब सम को आगे बढ़ाते हैं, मेरे पास और दो नए इक्वेशन है। अब इस दो इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए पूरे 1.1 के स्टेप्स ले लेता हूं। हाँ, घबराओ मत, सम नंबर टू में हो चुका है ऐसा अपने साथ। सेम इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ध्यान में रखते हुए पूरे 1.1 के स्टेप्स ले लेना। बताओ जरा 1.1 का पहला स्टेप चेक करेंगे कि जो दिए हुए लोग है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा स्टेप वर्टिकली अरेंज, शर्त एक चीज सेम होना चाहिए, एक्स भी सेम है वाई भी सेम है, अरेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, अरे मुश्किल नहीं है, थोड़ा बड़े हो जाओ। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं x को देखूं तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, अगर मैं y को देखूं तो एडिंग करना पड़ेगा। तो आप x को देख के सब्ट्रैक्टिंग करना चाहोगे या y को देख के एडिंग करना चाहोगे? y को देखो और एडिंग करो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 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 3 और 3 6, प्लस 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 4 और 2 6, इन सब में से x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, 6 1 जा 6 1 जा, x इज इक्वल टू x मिला, x के और y के फॉर्म में क्वेश्चन था, x मिला, खुशी हो रही कि मुझे एक चीज मिल गई। अब x मिल गया, आगे y मिलेगा, कैसे मिलेगा? Put x is equal to 1 in equation। सबसे आसान ढूंढो, कौन सा सबसे आसान, क्या पहला, क्या दूसरा, क्या तीसरा, क्या चौथा? अब बोलोगे सबसे आसान कौन सा है? तीसरा। जहां जहां x है वहां वहां 1, 3 का 3, x का 1, प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3, इन सब में से y चाहिए तो y अकेला होना चाहिए, जगह चेंज, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गया 1, यहां से x मिल गया, यहां से y मिल गया और ये मेरा सम खत्म। क्या मैं रुक जाऊं? हाँ, क्वेश्चन x और y के फॉर्म में था, मैंने भी क्या ढूंढ के लाया x और y। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 1.4 अच्छे से समझ गया होगा। देखो अगर नहीं समझ में आता है ना तो मेरे रिकॉर्डिंग बार बार सुनो, और ये पूरे एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार तो लिख लिख के सॉल्व करो ही करो, दिमाग पे ना थप्पा छप जाना चाहिए। हाँ, अब हम हमारे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह 1.5 शुरू करेंगे। अपना ध्यान रखो और खूब पढ़ाई करो।